हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। मैं अभी अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में आया हुआ था, तो अभी मैं वापस घर जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं बाइक भगाते हुए। आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा हवा लग रहा है, धूप है बट ज़्यादा धूप नहीं है। मज़ा आ रहा है इस धूप में बाइक चलाने में भी। और यहाँ पर तो अभी तक धूप आया भी नहीं है क्योंकि पेड़ है दोनों साइड, तो ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। तो चलिए चलते हैं बाइक भगाते हुए, राइड इन्जॉय करते हुए जाएंगे वीडियो। अगर आप लोगों की ये वीडियो पूरा पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग राइड इन्जॉय कीजिए। ये जो भाई बुलेट पे जा रहे हैं उसे आप देख सकते हैं, ये किस तरह से अपने बाइक को देख रहा था, जैसे उसे ये बाइक काफ़ी पसंद आ गई। अपनी बाइक है ही इतनी सेक्सी जो किसी को भी पसंद आ जाए, हर कोई जो भी देखता है वो इसे देखता ही रह जाता है। तो अभी रोड पर खाली मिल गया है, तो चलिए बाइक भगाते हैं। अभी तो गाइस एक्सीडेंट हो जाता, थैंक्स टू एबीएस, एबीएस की वजह से बच गए। मेरी ही गलती थी, वो सामने जो कार रुका हुआ था वो इंडिकेटर पहले से जलाए हुए थे, मैं इंडिकेटर पे ध्यान नहीं दे पाया। मुझे लगा कि आगे कोई गाड़ी होगी इसलिए रुका हुआ होगा, और दूसरे लेन से जब कार क्रॉस की तो मुझे लगा कि मैं उधर से जाकर क्रॉस कर जाऊँगा, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे ये सब चीज़ ध्यान में रखने का। ये काफ़ी शार्प टर्न है, यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं चलता सामने मेन रोड से होते हुए कौन आ रहा है, कौन जाने वाला है। यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता चलता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो हमेशा यहाँ पे बहुत धीरे जाना पड़ता है, बहुत स्लो, और देखते हुए जाना पड़ता है कि कौन सडनली आ रहा है, कौन जा रहा है। काफ़ी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ता है। तो गाइस अभी शेखपुरा मोड़ पहुँचने वाले हैं मेन रोड पर, उसके बाद आजू के साइड से होते हुए चलेंगे क्योंकि हजोन साइड तो हमेशा ही जाते हैं, आज जू के साइड से भी चलकर देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज अभी मेन रोड पर आ चुके हैं, तो चलिए अभी बाइक भगाते हैं, आप लोग राइड एंजॉय कीजिए। मिरर से कुछ क्लियर विजन नहीं मिल पा रहा है पीछे का, तो पहले मिरर एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद बाइक भगाएंगे।
यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक मिल गया गाइस, तो स्लो स्लो जाना पड़ेगा यहाँ से, इसलिए मैं ज़्यादातर इधर से जाना प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं हज भवन साइड टर्न ले लेता हूँ, वो रोड पूरा खाली होता है और वहाँ सीन भी काफ़ी मस्त होता है और कॉर्नरिंग भी करने को मिलता है स्टार्टिंग में, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उस रोड पर। बट अगर रेस लाने का मन करता है तो इस साइड रोड पर आ जाते, बट जितना इस साइड रेस चलाते उससे ज़्यादा तो जाम में ही फंस के रह जाते हैं, तो इतना मज़ा नहीं आ पाता इधर। अब आ गए हैं तो चलिए चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या मिलता है इधर, देखने को कितना टाइम लगता है इधर से निकलने में। तो गाइस अभी हड़ताली मोड़ पहुंच चुके हैं, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, तो यहाँ से निकल करके बाइक भगाने की कोशिश करते हैं, रोड खाली मिलता है तो आप लोग राइड देखिए, एंजॉय कीजिए। तो गाइस अभी फाइनली खाली रास्ता दिख रहा है आगे में, जहाँ पर बाइक आराम से भगा सकेंगे, तो अब यहाँ से बाइक भगाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग राइड एंजॉय कीजिए। तो गाइस अभी इनकम टैक्स चौराहा के पास पहुंच चुके हैं, बाइक भगाने का भी मज़ा ले लिए, और स्टार्टिंग में जो ख़तरनाक तरह से बचे एबीएस की वजह से वरना चले जाते। तो अगर आप लोगों की ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब कुछ कर दें। और ये पहली लड़की मिली जो इंडिकेटर जलाकर टर्न कर रही है।